हाँ जी, चलिए सभी को नमस्कार। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि सुबह से जितना हमने शुरू किया, कितने लोग ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ चल पा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश को लेके कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? हिंदी को लेके कितने लोगों को थोड़ी सी हो रही? तो उतने तो होती देखिए, मामला कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा मामला हिंदी इंग्लिश का नहीं है। कोई भी दर्शन में रियलिटी को बोलने के लिए जिन भी शब्दों का यूज़ जिस अर्थ में होता है, हम उससे किसी दूसरे अर्थ में उसको लिए हुए पहले से रहते हैं, तो वो मिसमैच रहता है। लेकिन फिर भी हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा, तो आप में से कौन है, नए या पुराने लोगों में से, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों पे इक्वल कमांड भी हो और जो कंटेंट को लेके भी थोड़ी बात कर सके? तो हर सेशन में हम दोपहर के सेशन को शुरू होने के पहले 15 मिनट का एक स्लॉट रख लेंगे, जिनकी ये हिंदी इंग्लिश वाली थोड़ी स्ट्रगल होगी, उनमें से वो आपस में बैठ के उसको ठीक कर ले, है ना? ऐसा हो सकता है? है? हाँ जी, तो बताइए नए पुराने लोगों में से कौन ऐसा है जिसको लगता है कि मैं हर दिन लंच के पहले 15 मिनट जो कुछ भी फर्स्ट हाफ में हुआ रहेगा उसको लेके एक छोटा प्रेजेंटेशन? है, आप आ गए, अच्छा हुआ। एक तो मेरे को लगता है कि वो शायद शेरबेन आपके पापा थे क्या, जो हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे थे? ब्रदर थे। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा, जैसे मैंने वो भाव और विचार को लेके ही बोल रहे थे, अब भाव और विचार तो मैं ऐसा मानता ही हूँ कि तो सबको पता ही होता है, फिर भी किसी को भाव मतलब फीलिंग बोलने से समझ में आता है, तो फिर थोड़ा सा ये हिंदी इंग्लिश वाली बात है। तो यदि ऐसा भी है, तो आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले कि जो, जैसे हम कल से 3 बजे शुरू करेंगे, तो 3 बजने में 2:30 बजे हम लोग, जिनको सभी को आना है, सभी आमंत्रित हैं, लेकिन आप उसमें से थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश कवर करते हुए कॉन्सेप्ट को एक बार बोलेंगे, और जिनको जो प्रॉब्लम होगी वर्ड्स की, वो आपस में बातचीत करके आपसे सेट कर लेंगे, तो मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा और मैं अपना काम करूँगा, आप लोग अपना काम करो। हाँ, वो 2:30 बजे से हम कर देंगे उसको, कल से हम 1 बजे तक सेशन करेंगे, कितना, 1:30 1:30 बजे तक करेंगे, तो 1 घंटे का ब्रेक रख के 2:30 बजे ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसमें किसी किसी को लगता है कि मेरे को 3 बजे आना है तो आपकी चॉइस है, किसी को लगता है कि मेरे को 2:30 बजे आना है तो बिल्कुल आइए, सभी आइए, सभी का स्वागत है, तो इसमें आप इसको करिए, है ना? तो बस सेट कर लें। चलिए, सभी का स्वागत है, चलें। चलिए, कहाँ थे? हाँ भाव मतलब फीलिंग, विचार मतलब थॉट। अभी करें, मैं ऐसे पूछता हूँ तो लोग मेरे को ऐसे ही बताते हैं। चलिए, तो जितनी चर्चा हुई उसमें कोई शंका? और हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो सभा के लिए जोरदार तालियां, खूब अपन नॉर्मली सभा के फ्लो को आने में हाफ डे जैसा, एक दिन जैसा कुछ लग जाता है, पता नहीं, लेकिन नागपुर में आप समझते ही हैं, शिविरों में तो अच्छे ही लोग आते हैं, तो शुरू से ही एक अच्छा फ्लो बना है और कंटेंट ठीक से जा रहा है। तो चलो, मेरी संतुष्टि के लिए दो काम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, सुबह से लेके अभी तक जितनी चर्चा हुई है, कितने लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरे तक कंटेंट पूरा पहुंच गया है, जितनी बात हुई, मैं वो सामने नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, इधर वाले कोई हाथ नहीं उठाए, उठ रहा है सबका? तो एक काम करते हैं, ठीक 5 मिनट में आप लोग अपने पड़ोसी को समझाएं कि दिन भर सुबह से लेकर अभी तक क्या चर्चा हुआ। आजू बाजू दोनों एक दूसरे को बताएं कि मेरे को क्या समझ में आया, है ना? थोड़ा सा खुलेगा, कुछ बोलने से खुलेगा, हम बोलते हैं तो खुलता है।
हाँ जी स्टार्ट। हाँ जी नमस्कार, हो गया? हाँ जी पीछे सभी को नमस्कार। चलें? चलिए तो बताइए कैसा रहा? कितने लोगों को सुनाने से ऐसा लगा कि नहीं, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कंटेंट पे ही बोला होगा और कुछ बात नहीं कर रहे होगा। ये मानते हुए कि आपने कंटेंट पे बोला होगा, तो कितने लोगों को बोलने से ऐसा लगा कि हाँ मैं बात को ठीक से कह पाया? कितने सुनने वालों को सुनने से ऐसा लगा कि सामने वाला ठीक से कहा? तो क्रॉस चेक हो जाएगा ना। चलिए बढ़िया। लेकिन देखिए आज, नमस्कार बहनों बीच में, आज पहला दिन है हमको, हम आपस में फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। एक आपको ये भी पता चला कि हाँ ये वर्कशॉप कैसे चलती है ना, क्या बेसिस क्या है और कहाँ पहुँचना चाहते हैं और डिस्कशन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। दो तीन चीज़ें मैं बीच बीच में करता रहूँगा, कभी मैं लिखने के लिए बोलूँगा, कभी मैं चर्चा करने के लिए बोलूँगा, और कभी मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप कंटेंट को सबके लिए शेयर कर दें। ठीक है? तो आप बोलने में संकोच नहीं करेंगे और गलत बोलना सही बोलना जैसा कुछ है नहीं, जैसा हम समझेंगे वैसा शेयर करेंगे ही, उससे हमारे लिए चीज़ें खुलेंगी। चलिए जितनी चर्चा सुबह से अभी तक हुई है कोई सभा के लिए बोलेगा ताकि अपना कनेक्शन एक बार स्टेब्लिश हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी माइक दीजिए। नमस्कार, मैं अंकित गांधीधाम से आया हूँ। जितना मुझे समझ में आया हो ये पूरा अस्तित्व एक नियम के साथ है, सारी नेचुरल एंटिटीज अपने निश्चित आचरण के साथ है, ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग भी एक नेचुरल एंटिटी है, तो इसका एक निश्चित आचरण है ही, हमने पहचाना नहीं है। तो सुखी दुखी हम अपने स्टेट ऑफ माइंड से होते ना कि घटना से, तो ये स्टेट ऑफ माइंड अगर मेरा अस्तित्व के नियम के अनुसार स्थिर हो जाए तो मैं इससे प्रैक्टिस करते करते घटनाओं को और अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा और पहले से अच्छी स्थिति में आ सकता हूँ। क्या बात, जोरदार, बिल्कुल कम से कम शब्दों में एकदम टू दी पॉइंट। कैसा रहा? देखो सुनने से ही अच्छा लगता है, जीने से कितना अच्छा लगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कि इतना तो हमारे लिए काफ़ी स्थिर हो गया कि घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं उन घटनाओं को कैसे लेता हूँ, है ना, मेरी मनस्थिति कैसी है, मैं कैसे हैंडल करता हूँ, और मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। तो और बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो बढ़िया था, फिर जब मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी, देखो किसी भी मानव में अधूरेपन की स्वीकृति नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप को कंप्लीट ही देखना चाहता है, पूर्ण देखना चाहता है। मेरे को मेरी पूर्णता का पता कैसे चलता है? तो मेरे को मेरी पूर्णता का पता मानव मानव की परस्परता में ही चलता है। ऐसे तो मेरे को लगता है मैं जंगल में रहता हूँ, वहाँ कोई ना काम लोभ मोह काम के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो मेरे को ठीक ही लगता है। लेकिन जब मेरा आमना सामना होता है तब मेरे भीतर क्या चलता है, तो मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी रहती है, और जब मैं दूसरों के साथ व्यक्त होता हूँ तो मैं चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ऐसे तो मेरे को लगता है कि मेरा गुस्सा नहीं आता है, मैं कोई भी चीज़ पे अचानक बहुत ज़ोर से फट जाता हूँ और फटने के बाद सोचता हूँ यार इतना तो फटने का मामला नहीं था, है ना, क्यों ऐसा हो गया, लेकिन हुआ तो सही। इसका मतलब है आईना सामने रहता है तो ही अपना पता चल रहा है। तो घटनाएं मेरे लिए आईना है मेरी ही जिंदगी को पढ़ने के लिए। तो एक तो घटनाएं मेरे लिए आईना है मेरी ही जिंदगी को पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद पता चला कि कहाँ अधूरापन है और कहाँ स्थिति अच्छी है, ये भी पता चलता है।
कहाँ स्थिति अच्छी है ये भी पता चलता है, तो जहाँ स्थिति अच्छी है उसकी खुशी मनाएंगे, और जहाँ गैप है उस गैप को भी पहचानेंगे और उसको भरने के लिए आगे लग जाएंगे। और डे बाई डे मैं जिंदगी में और रईस वाली नहीं, आपकी वाली नहीं, हाँ, भाव और विचार की जो रईसी है, जो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, जो पीस ऑफ माइंड की बात हम कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई हमसे पूछता है, हमारा कोई नाम ही नहीं है इस प्रोफेशन का, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो हमारा कोई नाम ही नहीं है, क्या बोलेंगे इसका हम। कोई हमसे पूछे क्या करते हो, कोई हमसे पूछे कि क्या करते हो, क्या जवाब दें। हाँ, वो शिविर उसको समझ में आता ही नहीं है, शिविर अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग आइटम है, शिविर बोलने से एक कंफ्यूजन है, तो हम बता देते हैं अभी खुश रहते हैं, बस मेन काम इतना ही है, उसके बाद वो सोचता है आगे। तो हम यहाँ पहुंच गए, भाव और विचार की स्थिति मेरे सुख दुख का कारण है। तो इसका मतलब है कि मेरे को भाव और विचार चलाना आ जाए तो मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तो थोड़ा सा अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि ये भाव क्या है, कोशिश करते हैं समझने की कि ये भाव क्या है और विचार क्या है। चलो, सभी अपने पड़ोसी को भाव और विचार समझाएं, आपको अपना पता चलेगा। भाव और विचार में क्या अंतर है, भाव और विचार में क्या समानता है, भाव और विचार का क्या मतलब है, अपने पड़ोसी को बताएं, बताइए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या निकला, बोलिए। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही, भाव और विचार से क्या समझ में आया। जितना समझ में आया था वो और कंफ्यूजन में चला गया इसलिए मैंने बात करवाई थी। पहले तो हम यही समझे थे कि भाव का मतलब फीलिंग्स और विचार का मतलब थॉट्स। हाँ, अब कन्फ्यूजन यह आ गया कि भाव के अनुसार विचार उत्पन्न होते हैं या विचार के अनुसार भाव उत्पन्न होते हैं। अब दोनों सही लग रहा है, दोनों भी गलत लग रहा है, अब यह संकट पहुंच गया। इतना ही माइक लीजिए। थॉट्स मतलब जब हम कोई भी इंजीनियरिंग की कोई चीज पढ़ रहे हैं या साइंस की चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश पढ़ते समय थॉट नहीं चलेगा, चलेगा ना। लेकिन जब हम रिलेशन की बात करते हैं किसी से तब इमोशंस या फीलिंग्स का रोल ज़्यादा होता है। और जब कोई चीज़ मतलब समझ आप कह रहे हो कि ह्यूमैनिटी पढ़ने वालों में इमोशन कम होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वालों में इमोशन ज़्यादा होते हैं। नहीं, ह्यूमैनिटी ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स जब वो समझने की कोशिश कर रहा है तब थॉट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वो किसी के साथ रिलेशन होता है तो उसमें इमोशंस या ये जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। बोलने के बाद आपको कितनी तृप्ति हो रही है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? हो रही है हो रही है, अभी इतना सोच के बोलना पड़ा। आज भाव मतलब अंदर अंतरात्मा से आया हुआ जो अपने मन के अंदर चलता है। कहाँ रहती है अंतरात्मा? जो भी अपन भाव अंदर से भाव आता है ना, कोई चीज कोई काम करना हो तो एक अंदर का अपना इच्छा होता है ना, इच्छा शक्ति, तो होता है कि नहीं ये अच्छा है, जो जो अच्छा होता है वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा लगता है कि फिर कर देते हैं, और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उस पर विचार करना पड़ता है।
कंफ्यूजन के समय विचार करते हैं, बाकी समय विचार नहीं करते कि नहीं विचार विचार यानी सही काम के लिए तो अगर विचार नहीं होता, नहीं होता है सही काम के लिए विचार नहीं होता है, कंफ्यूजन के लिए विचार होता है। ये सुनने से ठीक लग रहा है कि गलत बात पे? देखिए सही काम के लिए तो विचारा नहीं जा सकता है, मतलब सही वो सही काम है तो उसके लिए विचार विचार नेचर ने मानव को गलत काम के लिए दिया है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब सर कि भाव एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है तो किसी के प्रति कोई भी भाव, वो किसी का सही भाव होता है किसी का गलत होता है जो जैसा सोचे। सही भाव होता है तो उस पर विचारने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई अच्छा काम करने कोई दान पुण्य करना है उसमें विचार नहीं उस पर कि भाई अच्छा है कर दो। और कुछ ऐसे भी भाव अंदर जगते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं ना, किसी के अलग भी भाव जगते हैं तो उस पर खुद इंसान अपने मन से सोचता है नहीं ये गलत है, तो लोग या 10 लोग बैठ के कोई अच्छे भी काम के लिए बहुत बड़ा विजन हो उसके लिए विचार करते हैं, छोटे काम के लिए विचार नहीं करते। छोटा या बड़ा जो भी मतलब जो हमारे समझ से। हाँ जी माइक दे। हेलो, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि हमारे लाइफ में कोई भी माइक इधर घटनाएं घटती रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो कोई भी घटना घटी तो उसके ऊपर ये घटना क्यों घटी, इसके ऊपर क्या लॉजिक था, मतलब ऐसे क्यों हुआ, ये भाव है कि विचार है? ये विचार है। अच्छा। और वो घटना घटने के बाद जो हम फील करते हैं या कोई भी भावना हमारे मन में आती है सुख की दुख की या कोई भी भावना जो आती है दैट इज भावना, और ये क्यों हुआ है क्यों कैसे हुआ जो हम विचार करते हैं दैट इज विचार। तो भाव और विचार में क्या अंतर हुआ? कि मतलब भाव आते हो हम खुद फील कर पाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। इंग्लिश में बोलने से थोड़ा ना मतलब हो जाएगा। भाव यानी हमको जैसे किसी के प्रति गुस्सा आता है, जैसे तो गुस्सा एक भाव है। मतलब किसी ने कुछ कर दिया हमारे साथ या किसी की कमियां है या क्या, तो जैसे कमियों पे भाव आता है। और विचार यानी फिर हमको उसके प्रति इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, अब मैं ऐसा करने के लिए क्या करूं, तो वो जो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली चलते रहता है वो थॉट्स उनको विचार कहेंगे कि किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो कॉन्स्टेंटली दिन भर जो हमारे दिमाग में चलता है इसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो विचार होते हैं। और भाव मतलब किसी के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, मतलब किसी ने गुस्सा आया कि किसी के लिए गुस्सा आया किसी के लिए जैसे बोलते बोलते सांस चल रही सर। एंगर एंगर एक भाव है। हाँ एंगर भाव है कि अभाव है उससे रिलेटेड फिर हम कुछ सोचते हैं किसी की, जैसे आपने किसी की कमियां जैसे आपने बताया था तो अगर हम उसको लेके सोचते हैं तो वो विचारों में आए। कमियों को सोचेंगे तो विचार, अच्छाई को सोचेंगे तो भी विचार ही होगा, कुछ भी चलते हैं पॉजिटिव भी चलते हैं किसी के अच्छे के लिए। तो भाव और विचार में क्या अंतर? किसी का अच्छे भाव भी होते हैं कि हम किसी का जैसे नेचर है अगर वो अच्छा है तो वो भी भाव में ही। तो भाव विचार में क्या अंतर हुआ? सर विचार यानी थॉट्स। अच्छा, और भाव यानी ओह थैंक यू। फीलिंग्स इन द सेंस मतलब भाव यानी कि जो गुस्सा नहीं भाव यानी कि गुस्सा वगैरह जो अच्छा। जिसको हम जैसे प्रकट कर पाते हैं हाँ सर जैसे आपने शुरू में कहा कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो बचपन से हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। हाँ जी पीछे एक माइक दीजिए। हाँ बचपन से कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं रजिस्टर्ड करते रहते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट होता है, तो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक फीलिंग क्रिएट होती है अंदर कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जो फीलिंग जो पहला जो क्रिएट हुआ आपको मतलब भाव मतलब फीलिंग। हाँ फीलिंग्स एंड देन उसके ऊपर जो सोच विचार करते हैं उस फीलिंग को लेके दैट इज भाव और फीलिंग एक ही बात है बाय द वे, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ है। नहीं थॉट्स। अच्छा फीलिंग के ऊपर जो थॉट्स क्रिएट होते हैं जब हम उस फीलिंग के बारे में सोचने लगते हैं तो दैट इज अ थॉट, एंड समटाइम्स कई बार थॉट आता है और उससे कई बार फीलिंग्स क्रिएट होती है, तो इट इज इंटर रिलेटेड।
अब आप ही उसका विस्तार कर लीजिए सर। जो हेलो, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ कि आपको बोलने के बाद खुद को भी लग रहा है ये अधूरा है। देखो मैं इसलिए, ये भी एक अच्छा चेक है, जब भी आप कोई चीज को बोलते हो आप खुद फील करो कि मेरे को कैसा लग रहा है। बोलने से आपको लगे कि मेरे को इसको बोल के पूर्ण तृप्ति है तो वो एक अलग पता चलेगा, आपको बोलते बोलते लगेगा इसमें गैप्स है, हाँ तो वो बिल्कुल आपको पता चलेगा। अभी क्या आप बोलते हो, फीलिंग मतलब भाव, विचार मतलब थॉट्स, कुल मिला के राम का घर शाम के सामने, शाम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने, ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना शाम मिलेगा, है ना। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, जैसे ये बोलने से ये क्या है, पेन है, इसमें कोई अलग अलग किसी का है, सबका एक ही है। भाव विचार बोलने से सबकी परिभाषा एक आ रही कि अलग अलग आ रही, अलग अलग आ रही। इससे हमारी क्लैरिटी बनती है कि मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक। जब भी हम किसी चीज को सही पहचानते हैं, 2+2 4 ही होता है, इसमें मैं क्या करूँगा आप क्या करोगे। लेकिन जब हम ठीक नहीं, कोई मैथमेटिक्स हम करते हैं उसका आंसर ठीक नहीं होता तो कितने आंसर आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन जब आंसर ठीक आएगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा। इसका मतलब है पेन बोलता हूँ तो पेन ही है, भाव और विचार बोलता हूँ तो पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब ये केवल ये पहचानने की जगह है कि हमारी भाव और विचार की परिभाषा में भी क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेशन में भी क्लैरिटी नहीं है। हम कुछ वेगली बोलते हैं लेकिन कुछ भी ठोस टिकने की जगह नहीं है। तो यहाँ से समझ में आता है कि मेरी जीने की जगह कितनी खाली है। हाँ जी ठीक है, लास्ट। हाँ जी, पहले वो बहुत देर से। हेलो, परिचय करते जाइए। हाँ, मैं रंजना एनोरकर नागपुर से ही हूँ। मुझे लगता है पहले आते हैं, हाँ। और कुछ थॉट्स की वजह से फिर इमोशंस, मीन्स एवरी थॉट इज नॉट इमोशन, भाव नहीं है, हर थॉट भाव नहीं है, और फिर वो भाव के एक अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है तो फिर उससे एक्शन होती है। सो थॉट, एवरी थॉट इज नॉट इमोशन, एंड इमोशन का आउटबर्स्ट ही एक्शन हो सकता है। एंड अगर हम उस थॉट को ही चेक करें तो शायद आगे के कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ जी, एक ही है, बेकार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, बोले ऐसा बोल रहे हैं। विचार जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके प्रति मेरा एनालिसिस कैसा है, वो विचार, और जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके प्रति मेरा एक्सेप्टेंस लेवल कितना है, वो भाव। शेयर किया यूट्यूब में देखो, है यूट्यूब में देखो, हाँ पता चल जाता क्या बोला। गुड, चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि भाव क्या है, मैं लिख देता हूँ और फिर आप देखिए भाव क्या है। भाव की स्वीकृति है, और विचार क्या है, भाव का विश्लेषण है। बात कुल इतनी है, इसको समझते हैं और फिर धीरे से हैंडल करेंगे। हाँ जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ जी माइक। मैं वसुंधरा यवतमाल घाटांजी से आई हूँ। भाव और विचार, जैसे उदाहरण एक देती हूँ, जैसे सांप है, अचानक हमें दिखाई दिया तो पहले हमारा भाव एकदम अरे बाप रे करके हो जाता है, फिर हम उसको हमारे मन में जो विचार आते हैं कि वो काटेगा, तो ऐसे विचार अचानक विचार बदल जाते हैं। अगर वही विचार, अगर उसको सही पहचाना उस सांप को कि ये विषारी है या यानी है क्या कुछ उसमें दंश कर, उसको पहचान लिया तो अपने आप हमारे मन में विचार भी यानी उस भाव का यानी भाव की स्वीकृति हो जाएगी, उसकी स्वीकृति हो जाएगी और हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। बढ़िया, तो ऐसा करते हैं, पहले परिभाषा को सेट करते हैं, फिर आप अपनी रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अपने आप में सेट करने की कोशिश करेंगे, इस पे हम फिर हम बात करेंगे। जैसे बोला कि भाव क्या है, भाव किस भाव क्या है,
जो है, भव मीन्स जो है, तो क्या क्या है? सब कुछ है, नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी चांद है ना, धरती मानव सब कुछ है, फैमिली देश समाज सब कुछ। तो कुल मिलाके भव की स्वीकृति जो कुछ है उसको मैंने कैसे स्वीकार किया है, किसी चीज को मैंने कैसे स्वीकार किया है। जैसे आप बोल रही थी तो जैसे हम अधिकांश लोग मानते हैं, जैसे गुस्सा स्वाभाविक है कि नहीं, गुस्सा स्वाभाविक है कि नहीं, है ना? अरे है कि नहीं है तो हाथ उठाओ। स्वाभाविक किसको बोलते हैं? जो स्वीकृत भाव है वो स्वभाव है, जो हमको स्वीकार है वो भाव, जो हमको स्वीकार है उसका नाम स्वभाव है। जब हमको गुस्सा आता है हमको स्वीकार होता है क्या? जिसको करते हैं उसको स्वीकार होता है क्या? करने के बाद दोनों को स्वीकार होता है क्या? तो गुस्सा स्वाभाविक है कि मोस्ट अस्वाभाविक? गुस्सा मोस्ट अस्वाभाविक स्थिति है ना, लेकिन सभी करते हैं इसलिए हम उसको स्वाभाविक बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भव कह रहे हैं, भव का मतलब जो नेचर में है, भव की जो स्वीकृति है उसका नाम भाव है, इसका मतलब भाव कोई पॉजिटिव चीज है कि भाव कोई नेगेटिव चीज है? भाव का मतलब भव की स्वीकृति, तो इसका मतलब भव जो नेचर में है उसकी स्वीकृति, तो भाव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो ईर्ष्या का भाव होगा कि स्नेह का अभाव होगा? तो ईर्ष्या अपने में कोई भाव नहीं है, तो नेगेटिविटी वाला कोई भाव नहीं होता है। तो बेसिकली हमने किसी पॉजिटिविटी के अभाव को देखा है। अब हमने बोलचाल की बकियों की हमारी कोई समझ नहीं है उस बारे में, तो जो भी कुछ बोलते हैं सब ऐसे ही चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाव तो हमेशा सकारात्मक ही होता है ना? जैसे हमने कहा गुस्सा, गुस्सा क्या चीज है? गुस्सा क्या चीज है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, किसी घटना को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मैं अयोग्य हूं, मेरी अयोग्यता की प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में व्यक्त होती है ना? तो बेसिकली गुस्से को जब वो कह रहे हैं तो मेरी वो अयोग्यता की अभिव्यक्ति, कोई घटना मैं ठीक से हैंडल कर लेता हूं, मैं आराम में रहता हूं, जब मैं कोई चीज को हैंडल नहीं करता हूं तो मैं चिल्लाना शुरू करता हूं, तो मेरी अयोग्यता का रिएक्शन है, मेरी अयोग्यता की प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में व्यक्त होता है। तो खैर इस बात पे हमारा ध्यान चला गया। है सरप्राइज, हाँ देखिए देखिए एग्जांपल, मैं एक बार पहले परिभाषा पूरा करता हूँ फिर आप सारे एग्जांपल उठा के लाइए, फिर उसमें क्रॉस चेक हो जाएगा। तो कितने लोगों तक ये पहुंच गया कि भव की स्वीकृति भाव है, जैसा मैंने होने को स्वीकारा है, किसका होना? मेरी माँ का होना, मेरे पिता का होना, मेरे भाई का होना, मेरे गांव का होना, मेरे शहर का होना, मेरे देश का होना, किसी इंजीनियरिंग का होना, जिस भी एरिया को आपने स्वीकारा है, मेरी खेती का होना, जिस भी चीज़ को आपने जैसे स्वीकारा है, और जिन भी चीज़ों को मैं नहीं स्वीकार पा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ है और मैं नहीं स्वीकार पा रहा हूँ, जैसे आपके किसी भी संबंध को उठा लीजिए, भाई बहन पति पत्नी, मान लीजिए पत्नी या पति, तो हमारा पति हमको कम्प्लीटली स्वीकार है या उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको स्वीकार नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको स्वीकार हैं? तो भाव कैसा है? जो स्वीकार है उसका नाम भाव है और जो अस्वीकार है वो अभाव है। वहीं पे रिएक्शन आ रहा है, वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं है, है ना? तो नेगेटिव कोई भाव नहीं होता है, और मेरी कोई चीज है जो मेरे को कल तक स्वीकार नहीं थी लेकिन आज स्वीकार हो गई है ना, मेरी कोई अयोग्यता थी, मेरी कोई गलत आदत थी, तो जैसे ही मेरे को वो सही हो जाता है तो मैं अपने आप को, तो अब यदि अपने आप को देखें तो हम अपने आप को अभी कम्प्लीटली स्वीकारे हुए हैं कि पार्शियली स्वीकारे हुए हैं? हाँ जी बात जा रही है, ध्यान आ रहा है? मैं अपने शरीर को भी हो सकता है पार्शियली स्वीकारे हुए हूँ, किसी को लगता है मेरा रंग ठीक नहीं है, किसी को लगता है मेरी हाइट ठीक नहीं है, किसी को लगता है मेरी नाक ठीक नहीं है, किसी को लगता है बाल सफ़ेद हो गए, ठीक, तो कोई चीज़ ऐसी है, या मेरा शरीर मान लो कोई चीज़ से बीमार रहता है, मेरे को उसका स्वीकार नहीं है, तो कोई भी चीज़ जो मुझको स्वीकार नहीं है उसके प्रति भाव होगा कि अभाव होगा?
वो अभाव है, वो नेगेटिविटी है, और जो भी चीजें मुझको खुश होकर स्वीकार है उसी का नाम भाव है। तो मैं स्वयं के प्रति भी किन्हीं चीजों के मामले में सही भाव के साथ हूं और कोई मेरे अंदर अभाव है। ये जो अधूरापन है, मैं इस अधूरेपन के साथ जीना चाहता हूं कि इसको पूरा करना चाहता हूं, इससे मुक्त होना चाहता हूं, पूरा करना चाहता हूं। अब कुछ चीजें हैं जो पूरी हो सकती हैं, है ना, जैसे मेरे को मान लो मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, मैं मेहनत करके पूरा कर सकता हूं। अब मेरी हाइट कम है या मेरा कलर ऐसा है, इसको मैं मेहनत करके पूरा नहीं कर सकता, फेयर एंड लवली कितना लगाओगे, है ना। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कुछ चीजें हैं हमारे साथ जिनको यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका कॉम्प्लेक्स हमारे पास जिंदगी भर बना रहता है। कुछ चीजें हैं जिनको मेहनत करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा अपनी जगह काम कर रही है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं तो कैसे बोलता हूं, भाव से विचार बोलता हूं कि विचार से भाव बोलता हूं, मैं क्या करता हूं, विचार क्या है, भाव का विश्लेषण, भाव क्या है, भाव की स्वीकृति। तो जिंदगी को मैंने किसी रूप में स्वीकारा है, इस दर्शन को अध्ययन करते करते जिंदगी को मैंने किसी रूप में स्वीकारा है, जिंदगी को मैंने जैसा स्वीकारा है इसका नाम भाव है। आपके सामने क्या करता हूं, उसका विश्लेषण करते रहता हूं। तो मैं भाव से विचार के रूप में व्यक्त होता हूं, आप क्या करते हो, आप विचार से उसी भाव को पहचानना चाहते हो जिस भाव को मैं आपको व्यक्त कर रहा होता हूं। तो मैं भाव से विचार के रूप में व्यक्त हो रहा हूं, आप विचार को पकड़ के उसी भाव तक पहुंचना चाहते हैं, और जब भी हम पहुंच जाते हैं हम कहते हैं आप समझ में आ गया, और जब भी उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन बनता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, उसमें कोई बात होती है। तो चलिए, कितने लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाव की स्वीकृति भाव, ठीक, और भाव का विश्लेषण विचार, ठीक है। अब आपका कोई कंफ्यूजन हो या आप एग्जांपल देके दोनों को बोलना चाहते हो तो बोलिए। हाँ जी, माइक सर। जैसे आपने वो पेन का एग्जांपल दिया, ठीक है, आप पेन वो भाव है, ठीक है, और मैंने उसको स्वीकारा जैसे मार्कर, मैंने मार्कर स्वीकारा, ठीक है, तो आपके लिए वो पेन है, मेरे लिए मार्कर है, फिर इसमें मतलब भाव क्या है इसमें, फिर मेरे को वर्कशॉप पूरा करना है। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को वर्कशॉप पूरा करना है तो मेरे को कम से कम ये 2 या 3 each तीन कलर के पेन में नॉर्मली यूज करता हूँ। यदि मेरे को लगता है कि मेरी जरूरत जितनी है उससे ज्यादा है तो पेन को लेके मेरे अंदर कोई अभाव नहीं आता है। अब मैं मान लो मेरे घर में रह रहा हूँ तो मेरे को घर में रहते हुए पेन की जरूरत नहीं है, तो वहाँ मुझको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन मैं कहीं भी वर्कशॉप में जाऊँगा, मैं इसी कंपनी का पेन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी टिप मोटी होती है। तो इसका मतलब है किसी पेन विशेष के लिए मेरी स्वीकृति है। जब मैं इस वर्कशॉप कंडक्ट करूँगा तो मिनिमम ऐसे 6 पेन मेरे पास रखे रहें तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि पेन को लेके कोई अभाव आएगा। तो इससे मेरा जो भाव है वर्कशॉप कंडक्ट करने से लेके और पेन को लेके, वो भाव अपने आप में बना रहता है और मेरी क्लैरिटी है कि ये पेन है जिस जैसे मेरी स्वीकृति है वैसा ही काम करता है। और क्या चाहिए? सर, आपका जो भाव है और मेरा जो भाव है सेम ही रहेगा? नहीं सर, वही बोल रहा हूँ, मेरा भाव अलग है ना। नहीं, नहीं, मेरा पेन, आप उसको पेन बोलो कि मेरा नाम सोम है। मैं वर्ड्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके जैसा, आपने बोला कि आपने उसका विश्लेषण किया कि 3 पेन है आपको, इतना लग रहे हैं पेन आपको वर्कशॉप में, आपको इतना पेन चाहिए। अभी मैं अगर उसको, मैं मेरे भाव से उसको समझना चाहूँ, अगर उसका विश्लेषण करूँ, अगर पर मैं विचार कर रहा हूँ, पर मेरा भाव है कि वो मतलब वो मार्कर है, उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब उसका क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आप उसका यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हो, मतलब कितना यूटिलाइज होगा आपके वर्कशॉप, ठीक है। क्वालिटी की बात भी करोगे तो भी जिस क्वालिटी की आपकी अपेक्षा है यदि उसके अनुरूप है तो आपकी स्वीकृति है, उसके अनुरूप नहीं है तो आपकी स्वीकृति नहीं है, फिर आप कंपनी चेंज करोगे, कुछ करोगे, एक ही बात। हाँ, पर फिर अपना भाव अलग हो गया ना। अलग नहीं हो गया, वो एक ही भाव के अलग अलग एंगल्स हैं। कुल मिला के पेन है और पेन की उपयोगिता है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सभी के लिए उतना ही है। किस पर्पज के लिए आपको कौन सा पेन चाहिए वो पेन हम यूज कर लेते हैं। तो पेन का इतना ही मतलब है कि वो मेरे लिए बोर्ड पे लिखने का, कॉपी पे लिखने का, एक जो
मेरे मैं खुद कुल मिला के अपने आप को ही व्यक्त कर रहा हूँ, उस व्यक्त करने के लिए पेन एक साधन है, वो ठीक ठाक रहे इतनी ही स्वीकृति। पेन को लेके मैं जिंदगी में सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता। पेन की उपयोगिता निश्चित है, अब इसको डायमंड का बना लो कि इसको गोल्ड का बना लो, ये काम उतना ही आने वाला है, इसकी उपयोगिता उससे नहीं बढ़ रही। हाँ जी, क्या विचार बगैर मतलब भाव के नहीं हो सकते? जैसे सपोज मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ या नेचर की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें भाव का क्या क्या है मतलब? हाँ जी, इनकी बात ध्यान से सुन रहे, ये कह रहे हैं कि भाव के बिना विचार नहीं हो सकते हैं क्या, ऐसे बोल रहे जी? हाँ जी, भाव के बिना विचार और विचार के बिना भाव, ये दो अलग अलग चीजें हैं कि बेसिकली एक ही चीज है? बेसिक नहीं, एंगल अलग अलग है। देखो कोई चीज है, जैसे अभी इन्होंने नेचर कहा, नेचर है, जैसे इन्होंने सांप का एग्जांपल पीछे लिया था, तो सांप के प्रति मेरी स्वीकृति, सांप क्या है? भाव है। सांप के प्रति मेरी स्वीकृति क्या है? ये जो नेचर लवर्स लोग हैं इनका सांप के प्रति स्वीकृति एकदम अलग है, सामान्य आदमी का सांप के प्रति एक स्वीकृति नेगेटिव है, ना डरता है वो। जैसी मेरी स्वीकृति है वैसा विश्लेषण है, वैसा मेरा एक्शन है। तो बेसिकली स्वीकृति नहीं, जब मैं किसी की स्टडी कर रहा हूँ, सपोज मैं मैथमेटिशियन हूँ, तो उसमें भाव का क्या रोल है? या मैं नेचर की फिजिक्स कर रहा हूँ, फिजिक्स की, आप नेचर की स्टडी कर रहे हो, नेचर क्या एक भाव है? नेचर एक भाव है, नेचर एक भाव है, भाव मतलब होना। हाँ, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती जो चीज एग्जिस्ट करती है उसी की स्टडी कर सकते हो। हाँ, अब वो एग्जिस्ट करता है नहीं, लेकिन इसमें भाव और अभाव का क्या आएगा? अब आप कोई चीज, कोई नेचर है उसकी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने का मतलब है कोई चीज है तभी कर रहे हो, है मतलब भाव है, भाव है, स्टडी कर रहे हो क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे। हाँ, तो जो है मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ, है को मैंने किसी सेंस में देखा हुआ है, उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ, विश्लेषण करके मैं उसको पूरा समझना चाहता हूँ, यही तो कर रहे हो। हाँ, वो जो पूरा समझना है वो भाव की स्वीकृति ही है, पूरा जो वो एंटिटी जो पूरा है मैं उसको पूरा समझना चाहता हूँ, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए मोबाइल केवल व्हाट्सएप और कॉल का माध्यम है, किसी के लिए उससे बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कोई उसका इंजीनियर है, कोई उसको डिजाइन ही करता है, चारों लोग मोबाइल के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल अलग अलग हो गया। जो केवल व्हाट्सएप और मैसेज यूज कर रहा है उसकी मोबाइल के लिए स्वीकृति कैसी है? एक लेवल की स्वीकृति है, ये भी उसके लिए भी वो भाव है, उसके लिए मोबाइल एक लेवल का भाव है। अब जो उससे मान लीजिए उसके बहुत सारे फंक्शंस को यूज करते हुए और बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहा है, उसके लिए मोबाइल की स्वीकृति और गहरी हो गई, और कोई उसको डिजाइन ही करता है उसके लिए मोबाइल की स्वीकृति का लेवल कैसा हो गया? और गहरा हो गया। उसी तरह से हमारा भी हर चीज के लिए वैसे ही काम करता है। अभी हम आपस में, अभी हम अपने आप को देखें, मेरी अपने लिए स्वीकृति कैसी है कि मैं कुछ पैसे कमा के ले आऊं और कोई स्किल मेरे पास हो, ये भी एक लेवल की स्वीकृति है। ये करते हुए मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है, मेरे को भी भाव में ऊपर नीचे होता है, मेरे परिवार का भी ऊपर नीचे होता है। तो मेरे को मानव की समझ में आया कि नहीं ये ऐसे पूरा नहीं चलेगा, तो मैं मानव को और समझना चाहता हूँ। तो कुल मिला के भाव मतलब कोई चीज है उसकी मेरी स्वीकृति कितनी पार्शियल है, कितनी सर्फेशियल है या कंप्लीट है, उतना ही मेरे भाव की गहराई, मेरी क्लैरिटी। तो किसी किसी भी रियलिटी को मैंने एंड टू एंड कैसा स्वीकारा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके प्रति मेरा भाव कैसा होगा। लेकिन जब हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो स्वीकृति का तो फंडा ही नहीं आता ना, कैसे नहीं आएगा? कि ऑलरेडी मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं ऑब्जर्व करूंगा उसके अकॉर्डिंगली उसके जो लॉज हैं वो डिस्कवर करूंगा, बस इसका मतलब डिस्कवर करके करते क्या हो, उसको स्वीकारते हो, हाँ ये ऐसा है, वो स्वीकार नहीं भाव है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कल को अगर कोई मेरे जो डिस्कवर्ड लॉ है उसको गलत भी करता है, इसका मतलब आपने ठीक नहीं पहचाना था। हाँ, नहीं पहचाना था, लेकिन खुशी की फिर भी एक्सेप्ट करता है। खुशी की बात यही है, जो बात अभी आपने लास्ट में कही, इसी बात को अपन ने सुबह चर्चा किया, इसका मतलब सच्चाई को आप मानो मत मानो, गाली दो, प्यार करो, स्वीकार करो, अस्वीकार करो, इससे सच्चाई पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सच्चाई है, भाव है, और भाव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना ही स्वीकारना है, स्वीकारना ही भाव है, समझ ही भाव है,
यदि मैंने पहले पहले देखा था और वो बदल गया, इसका मतलब मैंने सही देखा कि गलत देखा कि अधूरा देखा? सही तो नहीं देखा, या तो गलत देखा या अधूरा देखा, फिर किसी ने और उससे गहरा देखा तो उसकी स्वीकृति, और फाइनली कंप्लीटली देख लिया। जिसने कंप्लीट देख लिया उसके बाद फिर बदलेगा क्या? कंप्लीट तो कुछ नहीं होता, साइंस में तो होता ही नहीं। साइंस में मानो मत मानो, लेकिन एग्जिस्टेंस में तो कंप्लीट है ही है, तभी वो काम कर रहा है। नहीं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी है, तभी हमारा ये हाल है, है ना? तो इससे क्लैरिटी बनी, यदि किसी ने 2+2 फोर्क एक बार सीख लिया तो दोबारा उसमें गलती करेगा क्या? नहीं करेगा, और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो देखो, परंपरा ने हमें, परंपरा में, हमारी जीवन शैली में, हमने जितनी भी सही चीजों को स्वीकार लिया, जिनको सही पहचान लिया, उसकी पहचान क्या है? उसकी निरंतरता हो गई है। कपड़ा पहचान लिया, निरंतरता हो गई। घर पहचान लिया, निरंतरता हो गई। गाड़ी पहचान लिया, सड़क पहचान लिया, खाना पहचान लिया, जिन जिन चीजों को खाना। अब कोई भी रहेगा किसी मकान में ही, मकान की क्वालिटी कम ज्यादा हो सकती। आना जाना करेगा तो अब बैलगाड़ी से नहीं करेगा, तो कम से कम किसी साधन से आना जाना करेगा। तो जिन भी चीजों को हम ठीक पहचान लेते हैं उनकी परंपरा में निरंतरता हो जाती है, जिनको हम ठीक नहीं पहचानते हैं उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और उनको पूरा तक, वहां तक, उसकी कंप्लीटनेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही मानव की जर्नी है। जैसे साइंस के बारे में हम अपने बचपन में स्कूल में, नहीं आपको याद होगा, करते आए विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है, इस पर डिबेट करते रहते थे। आज भी वो टॉपिक चलता ही होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि आज तक हम ये, क्योंकि विज्ञान अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं देता है, विज्ञान बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टडी है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टडी तो हो गई, लेकिन करना क्या है इसका? तो मेरे पति के शरीर में 207 हड्डियां, इससे उसका आचरण तय नहीं होता है। जीना आचरण के साथ है कि स्ट्रक्चर के साथ है? जीना तो आचरण के साथ है, स्ट्रक्चर आचरण कर नहीं रहा है, शरीर आचरण नहीं कर रहा है, इसलिए हमको गैप है। इसलिए कितना भी साइंस पढ़े, आदमी के साथ जीना नहीं आया। ये आदमी के साथ जीना आ जाए तो हमको लगे कि साइंस वाला पार्ट जो भी हमने किया है, स्ट्रक्चर फंक्शनल वाला, वो उपयोगी सूचनाएं हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह पाएंगे यार अब ये कंप्लीट हो गया। तो जहां तक हम पहुंचे उसका सम्मान है, जो शेष है वो हमारी यात्रा के रूप में बना ही रहता है। सरप्राइज भी क्या है? सरप्राइज जैसे कोई एग्जांपल लेके बताओ। जैसे मैं बच्चा घर में आया और आते ही बोला, मम्मी मैंने मैथमेटिक्स में से 100 में से 100 मान लो, और माँ को लगता था कि 100 तो नहीं आएंगे, या घर वालों को लगता था, तो उनके लिए वो सरप्राइज हो गया। तो इसका मतलब है भव को मैंने जितना माना हुआ है मेरी उम्मीद से ज्यादा निकल गया, इसी का नाम सरप्राइज है। भाव ही है। ऐसे नेगेटिव सरप्राइज भी होता है ना? नेगेटिव भी हो सकता है, है ना? मैंने आपको दोस्ती के बहाने दिल्ली में घटी घटना है, अब क्या बताएं? वो पत्नी को बोला आज मैं तुमको सरप्राइज दूंगा, राइट? और एक बुद्धा गार्डन है दिल्ली में, वहां ले गया, बोले आंख बंद, वो सुनसान एरिया में जाके आंख बंद करवाई पत्नी से, बोले तुम आंख बंद करो सरप्राइज देता हूँ। और वो क्या है, वो क्लच वायर गले में डाला, खींच दिया, तो उसको सरप्राइज था। वो देखने, सरप्राइज देखने लायक भी नहीं बची, घटी घटना, क्या बोला? हाँ जी माइक। तो जो घटनाएं हो रही है वो भी भाव ही? हाँ, वो भी भाव है, वो भी भाव है। नहीं नहीं, भाव का विश्लेषण मैं कब करूंगा? जब मैं भाव के रूप में उसको पहचानता हूँ। आप कोई भी चीज को, अपने बच्चे को, पति को, शहर को, गांव को, अपनी घर को, कोई भी चीज को आप अपना, वो जो भाव है, जब वो आप में स्वीकार होता है तो ही आपके पास आया ना। संसार में तो हजार चीजें हैं, मतलब वो भाव का विश्लेषण ही, भाव का विश्लेषण ही है, फाइनली भाव का ही है। हाँ, मतलब यदि हम उसी को ऐसे बोले, भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है, वो ठीक रहेगा क्या सर? हाँ, फाइनली आप भाव का ही विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब वो भाव सर, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, मतलब मुझे लगा कि आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगी है क्या? नहीं नहीं, इतनी भी एक्स्ट्रा नहीं है, है तो ठीक ही, पर उसको ऐसा देखो, जब जैसे इन्होंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया, तो मैं कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई मैं चीज को मेरे सामने कोई चीज रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं भाव को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको, भाव को मैंने स्वीकारा हुआ है, वो जो स्वीकारा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात पहुंची?
सुन नहीं पाए आप सर, मैं जो समझ पा रही हूँ, एक बार जैसे आपने लिखा है विचार अंतर विरोध, दो विचारों में यदि मतलब अंतर विरोध है तो जो फीलिंग आ रही है दैट इज भाव, अभाव। अंतर विरोध है तो वो भाव नहीं होता है, वो अभाव है। अंतर विरोध है इसका मतलब है उस रियलिटी को मैं अभी नहीं समझाऊं, क्योंकि नेचर में अंतर विरोध नहीं। दुख की फीलिंग जो भी हुई वो अभाव हुआ। हाँ, वो अभाव है। और विचारों में यदि सामंजस्य है तो सुख की फीलिंग हुई तो वो भाव हुआ। हाँ, वो भाव हुआ, लेकिन अभी और खुलने दो, अभी थोड़ा सा टाइम। ठीक है, लॉजिक ठीक। हेलो सर, एंट्री ठीक ले रहे हो? हाँ जी, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि प्रकाश और अंधकार है, तो प्रकाश जो है जो हम स्वीकृत है हमें, तो भाव के वो एक भाव हो सकता है, पर अंधकार बोलते ऐसे कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता है। जब प्रकाश नहीं होता है तब हम बोलते कि अंधकार है, तो वो अभाव है। तो और जब हम समझते प्रकाश है जो जितना हमें स्वीकृत हुआ है, लाइक इतनी लाइट हमारे पास आ रही है, तो कोई बोलते कि लाइट है, और कोई बोलते कि इतनी फोटोन की एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो जितनी स्वीकृति है उतना हम समझ पाते हैं, तो उसका वो विश्लेषण है, उसको हम विचार कह सकते हैं। बराबर है? बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग कह सकते हैं हम साथ साथ चल पा रहे हैं? कोई भी बोलता है तो पूरी सभा में सभी के लिए बोलता है और सभी सुन रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं, ऐसा बनाए रखें। एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ, ये हो गया भाव, बस। एंड जैसे एक झाड़ है, तो फिर अपन उसको विश्लेषण, झाड़ बड़ा है, छोटा है, पत्ते हरे हैं, वो विश्लेषण है। बिल्कुल, 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 ऐसा ही। स्वीकृति तो है, लेकिन स्वीकृति के पहले समझ जरूरी है। समझ ही स्वीकृति है, क्योंकि समझ है तो स्वीकृत होगा। समझ ही स्वीकृति है। ओके सर, समझ ही स्वीकार होता है, नहीं तो स्वीकार ही नहीं होता। जैसे हाफ ग्लास फिल्ड है, तो किसी के विजन में हाफ ग्लास एम्प्टी है, तो वो जो नेगेटिविटी है वो अभाव है। एंड किसी को दिखता है कि हाफ ग्लास फिल्ड है, तो वो भाव है। बिल्कुल। एंड उसका जब एनालिसिस करते हैं कि भाव है अभाव है, दैट इज विचार। जी, मेरे को लगता है कितने लोग कह सकते हैं कि भाव पकड़ में आ रहा है, भाव पहुंच रहा है मेरे तक, मैं अपनी जिंदगी से जोड़ के देख पा रहा हूं। हाँ जी भैया, क्या अभाव का विश्लेषण हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अभाव का विश्लेषण विचार हुआ। ये अभाव का विश्लेषण, जब भाव नहीं है तो मैं ये पहचान पाता हूँ कि ये नहीं है, तो भी विचार है, पर वो भाव के बिना नहीं हो सकता, मतलब। हाँ, बेसिकली वो भाव का विश्लेषण नहीं हुआ, अभी अभाव का विश्लेषण है, लेकिन भाव के अर्थ में है। वही ठीक है, बिल्कुल उचित उचित। हेलो भैया, अगर भाव बदल गए तो फिर विचार भी बदल जाएंगे ना? बिल्कुल, क्या बात है भाई, नागपुर तो कुछ ज्यादा ही जोरदार तालियां, ये तो कुछ ज्यादा ही आशा बन रही। क्यों, कैसा लग रहा है सिराबेन? देखिए, सिराबेन लगातार गुजरात आती रही हैं, और बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं अब पुराने जो तीन शिविर से ऊपर कर चुके हैं, तीन शिविर से ज्यादा जिन्होंने किया है, एक मैं भाई, दो तीन चार पाँच छः लोग हमारे पास हैं जो तीन शिविर से ज्यादा किए हुए हैं। नहीं, पुराने लोग बता सकते हैं शिविर कैसा चल रहा है? गुड, बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। वही है मेरा भाव, अगर बदल गया तो विचार भी बदल जाएगा। हाँ। ना, अगर सांप के लिए हमारी स्वीकृति है कि हाँ। वो नहीं काटेगा तो हम उसे नहीं मारेंगे। बिल्कुल, तो आप ऐसा प्यार करोगे उसको, कितना सुंदर है। नहीं, जो जो सांप मित्र है, जो लोग करते हैं करते ही हैं भाई, उसमें क्या? नहीं, अगर उससे डर लगा तो उसको मार डालेंगे ना। बिल्कुल, तो हमारा भाव अगर बदल गया तो ये विचार भी बदल जाएगा। जो डरा हुआ है वही अटैक करता है। अच्छा, नहीं नहीं, फिर मुझे ये लग रहा है कि फिर भाव जो है वो सही हमेशा सही नहीं हो। नहीं, इसका मतलब है, देखो बहुत बढ़िया पकड़ रहे हो। हाँ जी, सभी साथ चल रहे। यदि भाव बदल रहा है, इसका मतलब भाव को ठीक से पहचाना कि नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। एक बार भाव को ठीक से पहचान लिया, फिर भाव बदलेगा क्या? नहीं। फिर विचार बदलेंगे क्या? नहीं। यही स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, इसी का नाम सुख। जिंदगी ना सॉफ्टवेयर है, ऐसे थोड़ी सी करेक्शन मार दो, ओह जिंदगी में आराम ही आराम। ये जिंदगी में हार्डवर्क करना अच्छी बात नहीं, केवल समझना अपने आप में, करने के लिए ज्यादा काम नहीं है। हम ज्यादा थके हैं उन कामों में जिसमें हमारी क्लैरिटी नहीं थी। जिस काम के बारे में क्लैरिटी है वो थकान देता ही नहीं है,
और मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, आप सभी समझ सकते हैं ये बोलना कितना थकाऊ काम है। कितने लोग टीचर हैं या बोलने के काम को समझते हैं, है ना? नॉर्मली क्लासरूम्स में 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसके बाद टॉपिक भी बदल देते हैं, आदमी बदल देते हैं ताकि सामने वाला सुन पाए। यहाँ ना टॉपिक बदलता है ना आदमी बदलता है, और रोज 11 घंटा 10 घंटा भी चलता है, ना आदमी ना सुनने वाला थकता है ना सुनाने वाला थकता है। सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं जितने भी हमने आज तक सोचे समझे। तो मेरे को लगता है कि जो काम हमारे लिए सुखदाई होता है वो हमको थकाता नहीं है। तो थकान एक मानसिक घटना है। थकान क्या चीज है? जैसे दो थकान हो गई, शारीरिक थकान मानसिक थकान। कौन सी थकान हमको स्वीकार है? शरीर की थकान स्वीकार है क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि शरीर एक बायोलॉजिकल घटना है। मानसिक थकान जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो मानसिक थकान क्या चीज है? कब होती है मानसिक थकान? जब हमारे पास समाधान नहीं होता है। तो समाधान का ना होना मानसिक थकान है। जिस काम को आप कर रहे हो उसको आप करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब भी है कि आपके पास जिंदगी में समाधान नहीं है, ये भी थकान है। तो मैं किसी काम को अधूरे मन से करता हूँ, ये भी थकान है। किसी काम को कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ये भी थकान है। मैं उस काम को कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये पता नहीं है, ये भी थकान है। तो अंततः समाधान का ना होना ही मानसिक थकान है। समाधान नहीं है तो हमेशा आराम ही आराम। और काम करोगे रोज 12 घंटे 18 घंटे, थकान कुछ नहीं आएगी। कितना बढ़िया जी। हाँ माइक माइक। अगर हम 10 किलोमीटर की दौड़ लगा लिए तो फिजिकली टायर्ड हो गए, हाँ, तो ये क्या हमें मानसिक रूप से थकान नहीं देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। फुटबॉल खेल के लोग और फ्रेश हो जाते हैं, और फुटबॉल से तेज दौड़ने वाला कोई गेम है नहीं। कोई मानसिक थकान नहीं आएगी। हाँ सर, दूसरा एक प्रश्न है। हाँ, अभी तक जो चर्चा इसमें हुई कि भाव पहले आता उसके बाद विचार फॉलो करता है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं तो वहीं पे अटका हुआ हूँ कि भाव के आधार पे विचार आता है या विचार के आधार, दोनों के आधार पे दोनों होता है। जैसे अभी जो प्रक्रिया क्या है, अभी आप विचार पूर्वक भाव की ओर जा रहे हैं। मैं कभी विचार पूर्वक भाव की ओर गया था, अभी भी जाता हूँ, लेकिन अभी मैं आपके सामने भाव पूर्वक विचार को प्रस्तुत करता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, क्लियर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आप भाव से भाव जा रहे हो और फिर भाव से हमको आप मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो और विचार फिर विचार कर रहे हो उस पर। हाँ। तो मतलब ये प्रक्रिया, अगर जैसे ये पहला शिविर है, मतलब मैं बार बार करूँ, अगर तो मैं प्रकृति की तरफ जाऊँगा, मतलब बेसिकली खुद को जानने की प्रक्रिया है ना ये। हाँ, और क्या, यही है, यही है। हाँ, जैसे आपने पहला शिविर किया तो पहले शिविर की उपलब्धि इतनी है कि यार बात समझने लायक है, क्योंकि पहले शिविर में आप आदमी को जज कर रहे होते हो, कंटेंट को जज कर रहे होते हो, और ये तो क्या है, तो मुझको पता ही है, मैं तो बता ही देता हूँ, इनसे तो अच्छा तो मैं ही बता दूंगा। लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ और होने लगता है। तो वो जो लास्ट में जो कंक्लूजन आया, फिर उस कंक्लूजन के आधार पे हमारा एक भाव बना, फिर अगले कंटेंट पे और भाव बना, जैसे हमारा आज तक बन ही रहा है 20 साल हो गए। सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या भाव इंटेंजिबल भी हो सकता है? भाव हमेशा इंटेंजिबल ही होता है। अच्छा, भाव हमेशा इंटेंजिबल ही होता है। भाव टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है। भाव इंटेंजिबल भी होता है, टेंजिबल भी होता है। हाँ, क्योंकि टेंजिबल का मतलब जिसका आकार आयतन हो, तो जिसका आकार आयतन हो तो जितने भी, हेलो माइक मेरा, हाँ जी कोई माइक चालू, फिजिकल जितनी भी चीजें हैं वो सब टेंजिबल हैं, है ना? लेकिन ऐसी भी चीजें जैसे व्यवहार की समझ, अब व्यवहार अपने आप में टेंजिबल चीज है कि इंटेंजिबल है, लेकिन उसकी भी समझ है, उसका भी भाव है, विचार है। तो टेंजिबल चीजों के बारे भी भाव विचार होता है, इंटेंजिबल चीजों के बारे भी भाव विचार होता है। और आपने बहुत काम की बात कही है, अभी विज्ञान के माध्यम से, साइंस के माध्यम से हम टेंजिबल के बारे बात कर रहे हैं कि इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं?
विज्ञान में पूरा हम टेंजिबल चीजों के बारे भाव और विचार की बात कर रहे हैं, लेकिन टेंजिबल चीजें अपने आप में कोर में जाएंगे तो वो इंटेंजिबल के साथ कनेक्ट होता है, वो कनेक्शन साइंस में नहीं है। इसलिए हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी कहीं कहीं मतलब क्या क्या गैप है उसको अपन आगे चर्चा करेंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों में कोई कनेक्शन है उसको अपन आगे देखेंगे। बढ़िया, हाँ जी आगे चले। हाँ जी, जैसे भाव की स्वीकृति रहती है, अगर किसी की मानव के प्रति अपनी स्वीकृति है और किसी के प्रति नहीं है, तो जैसे मेरी स्वीकृति आपके साथ है और मेरे पति की विचार मुझे कभी कभी नहीं मतलब नहीं बनता, हम मतलब इसी से मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है कि स्वीकृति नहीं हो पाती मैं इनसे। तो जैसे आपसे स्वीकृति होती है, आप मुझे डांट भी देते ना मतलब, तो ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्यार से बता रहे हैं और मुझे सुधारने के लिए बता रहे हैं, ये मैं ऐसा समझी हूँ। और जब स्वीकृति नहीं रहती तो ऐसा लगता है कि मैं गलत जा रही हूँ और थोड़ा सा मुझे समझने की जरूरत है, ऐसा मैं समझी हूँ। ठीक है, तो आपका कहना इतना ही है कि देखो बाहर कोई हमसे इतनी बात कर दे तो हम दोबारा बात नहीं करेंगे, लेकिन घर में हमारी कितनी बातें होती है फिर भी हम उनको तो नहीं छोड़ते हैं। जितनी बात घर में एक दूसरे से हम बोल देते हैं, यदि इतनी बार बात किसी से हो जाएगी दोबारा बातचीत होगी? घर में हम क्यों इतनी लिबर्टी ले लेते हैं, क्यों दूसरे को इतना बोल भी देते हैं, क्यों दूसरे की इतना सुन भी लेते हैं और फिर भी साथ रहते हैं, क्यों ऐसा है? हाँ, स्वीकृति की गहराई है और कुछ नहीं है, स्वीकृति की गहराई है। मैंने अपने बच्चे को जिस गहराई के साथ में स्वीकारा है, पड़ोसी के बच्चे को उस गहराई से नहीं स्वीकारा, तो इसका मतलब है मैंने अपने पति को जिस गहराई से, अपने पिता को, फैमिली को, गांव को, देश को, है ना, तो इसका मतलब है कि जितनी आपके, और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने पूरी मानवता को स्वीकारा है, ये भी हो ही सकता है। तो बस सारी आदमी की जिंदगी का खेल उसकी स्वीकृतियों का खेल, सारा उसका सुख दुख उसकी स्वीकृतियों का खेल, बस इस पर हमारा ध्यान चला गया और इसको हैंडल करने की जगह आगे बनेगी, है ना, तो हम काफ़ी आराम में आ जाएंगे। देखो आप इतनी सी बात पे कितनी सारी शेयरिंग कर रहे हो, कितनी कितनी तरह के विश्लेषण आपकी तरफ से आ रहे हैं। हाँ जी, भाव की क्लैरिटी हो गई। कितने लोग अपनी जिंदगी से एग्जाम्पल उठा के बोल सकते हैं कि भाव को मैंने ऐसे समझा, अपनी जिंदगी से रियल टाइम एग्जाम्पल उठाइए। हाँ जी बोलिए, स्वाति बेन। स्वाति देखो मेरे को आपका नाम पता है। जी सर, थैंक यू। सर मैंने ये एक सिंपल एग्जांपल लिया है पेन का। इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक ये एक पेन है, ये ब्लैक कलर का है और कॉपी पे ये ब्लू कलर से चलता है, तो दिस इज व्हाट विचार, मेरे विचार इस पेन के लिए। और दूसरी तरह से मैं भाव को कैसे बताऊँगी इसमें कि ये पेन है इसलिए मैं कॉपी पर लिख पा रही हूँ, तो मैं इस पेन के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ, थैंक यू पेन, थैंक यू पेन, थैंक यू पेन, सो दिस इज भाव फॉर मी। पर ये है कि वो सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, पर वो भाव है मेरा इस तो पेन। एक ऐसी जगह में चलते हैं जहाँ सामने वाला सुनता भी है। ओके हाँ जी, तो मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ ताकि आपका ध्यान और बेहतर चला जाएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल सामान्यतः लेता हूँ सभी शिविरों में कि जैसे एक हॉस्पिटल में 50 बच्चों की डिलीवरी हुई, बड़े हॉस्पिटल में 50-100 बच्चों की डिलीवरी रोज हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। अब 50 माएँ लेट के देख रही हैं और नर्स एक बच्चा लेके आ रही है, सारी नर्स उस बच्चे को देख रही हैं, बच्चा भाव है कि नहीं है? भाव है। और सबके मन में उसका उसके बारे में क्या विचार होगा, अपनी अपनी चेतना के अनुसार होगा, अपनी अपनी जैसी जिसकी चेतना है, जैसे जिसका मानसिकता है। फिर उस नर्स ने लाके बच्चा किसी एक की गोदी में टिका दिया, टिकाते ही उसका भाव कैसा हो गया? गोदी में टिकने के पहले तक वो क्या था? बच्चा था। अब वो क्या है? मेरा बच्चा है। और मेरा बच्चा बोलते ही क्या हो गया? उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकृति की गहराई। जैसे ही मेरा बोलते हैं तो स्वीकृति की, उसका मतलब है कि मैंने किस लेवल से उसको स्वीकारा है। तो मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा खेत, मेरा गांव, मेरा देश, कहीं तक भी आदमी की स्वीकृतियां कितने भी आदमी सिकुड़ सकता है, कोई मेरा नहीं है, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के लिए उपयोगी नहीं हूँ,
वो सुसाइड कर लेगा। जैसे ही आदमी इस तरफ जाएगा ये सुसाइड कर लेगा। और जैसे ही आदमी को लगता है कि मैं सबके लिए, मैं बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी हूँ, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत शानदार जी सकता हूँ, है ना, वो जीने की तरफ जाएगा। तो फाइनली मेरी स्वीकृतियाँ ही हैं जो कितनी भी सिकुड़ सकती हैं, समझ ना समझने के कारण कितनी भी छोटी हो सकती हैं, और समझने के कारण अनंत ब्रह्मांड में फैल सकती है। इतना बड़ा साइज है आदमी का। तो यहाँ से हम करे को समझ में आया कि हाँ, उस बच्चे को लेके मैंने स्वीकारा तो मेरी स्वीकृति उसके लिए कैसे हो गई, तो फिर विश्लेषण वैसा ही रहेगा। तो फिर मैं इसमें कभी आगे भी सोच लेता हूँ, अखबार में खबर आई हो जुड़ जाती है। तो एक नर्स ने 3 दिन बाद आके बताया, और बच्चे के ना अंगूठे पे ऐसा बोलते हैं और टैग बना देते हैं, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। वो नर्स घर में कोई झगड़ा वगड़ा करके आई होगी, तो उसने इसका नंबर उस पर बांध दिया, उसका नंबर उस पर बांध दिया। और 3 दिन बाद जाके माँ को बताया कि मेरे गलती से बच्चा बदल गया। अब माओ ने क्या किया होगा, अब देखो गजब कितना है। माओ ने क्या किया फिर, ये घटी घटना है बोलते हैं, अखबार में ही पढ़ा हूँ, बोले अब जो भी है यही हमारा है। और दोनों अलग अलग धर्म की थी। अब जो भी है यही हमारा है। तो तब से मेरे को ध्यान में आ गया, ये जितने लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कितने लोग हॉस्पिटल वाले, हाथ उठाइए। ऐसा सुनते ही कैसा लगता है, ये आश्चर्य, ऐसा सुनते ही कैसा लगता है, अच्छा मैं बदल गया क्या, मैं वही मैं ही हूं क्या, एक बार को तो झटका लग जाता है। ये आश्चर्य, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं ऐसा सोचूं कि मैं वही हूं जो ओरिजिनली मेरे माँ बाप से पैदा हुआ, कि मैं बदल गया हूं। तो भाव को झटका लग गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एडॉप्ट करने वाले बच्चों के बारे पहले ये बोला जाता था कि उनको मत बताओ, आजकल ये बोल रहे हैं शुरू से बताओ कि तुम एडॉप्ट किए गए हो, ताकि उसको बाद में कभी झटका ना लगे, जो कि कभी ना कभी लगे जाता है। आने दो अभी वो जगह, थोड़ा सा दो स्टेप और बाद में आ जाएगी, तब अपन ज़्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। चलिए, अब कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से भाव का एग्जाम्पल लेके समझ पा रहे हैं कि भाव और विचार क्या है? कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं कि भाव और विचार समझ में आया? ठीक है, और जितने नहीं खड़े कर रहे हैं उनका क्या करूँ? है, वो भी भाव है, वो भी भाव हैं, तो उनके प्रति भी हमारी स्वीकृति है। हमारी स्वीकृति और बढ़ जाए इसके लिए 6:30 बजे हम शिविर पूरा करेंगे। 6:30 से 7:30 के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स बना के गोष्ठी होगी। आप लोगों में से देखो, शिविर के दौरान जो क्लासरूम में चलता है ये एक घटना है, लेकिन जो छोटे ग्रुप्स में चलता है वो बहुत शानदार आउटकम आता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी बनती है, वो ग्रुप में शेयर करेंगे कि मेरे को ये क्लैरिटी बनी, ये नहीं बनी। कोई क्लैरिटी आपको बनी है, दूसरे को नहीं बनी है, कोई आपको नहीं बनी है, वो दूसरे को बनी है। आपस में एक दूसरे को सुनने से बहुत एम्पावरिंग होता है, और वहाँ सभी लोगों को शेयर करने का अवसर भी पूरा मिलता है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पुराने मित्र हैं 6 तो यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है एक दो और मिल जाएंगे, तो हम 10 एक ग्रुप बना लेंगे। और शाम को 6:30 से 7:30 में ये गैप फिलिंग का काम और शेयरिंग का काम बढ़िया से चलेगा। जो लोग नागपुर से हैं और रात को अपने घर जाएंगे तो कृपया खाना खा के ही जाएं, और सुबह आके यही नाश्ता करें, ताकि आप टाइम से आ जाएं और टाइम से घर चले जाएं, है ना। और फिर घर जाके जो कुछ आपका वातावरण, मानसिक वातावरण ना बदले, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए आगे चलो, आगे चलो। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि भाव और विचार क्या है। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया, अच्छा ये मेरा वाला। तो देखिए, अब ये समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया। देखो, पूरे 7 दिन के लिए
जो बिल्कुल पकड़ने लायक सूत्र है और जिसमें हम 7 दिन में फिर पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे। मैंने क्या चर्चा किया था कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, अब ये चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है और फिर उस गैप को पकड़ेंगे और फिर कैसे ठीक करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर 7 दिन उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। जैसे अब क्या समझ में आया, देखो मैथमेटिक्स क्या कहता है, भाव की स्वीकृति, भाव की स्वीकृति भाव, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है, अभी देखते हैं हमारा भाव कैसा है। तो अभी जैसा हम जी रहे हैं, जैसा हम जी रहे हैं उसको देखते हैं। कैसा जी रहे हैं, एक स्थिति ये है कि हम इंद्रियों में सुख की तलाश करते हैं। इंद्रियों का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना, आंख, नाक, कान, त्वचा। शब्द मतलब कान, स्पर्श त्वचा, रूप आंखें, रस जीभ, गंध नाक, ठीक है। तो इन 5 इंद्रियों के थ्रू हम बहुत सारा सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरा, आदमी की जिंदगी देखें तो उसमें एक दूसरी बड़ी चीज है जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसको हम अपनी पहचान की तलाश कहें या सम्मान, पहचान और सम्मान की बात कहें, इसको देखें तो ये भी हमको दिखाई देती है कि कभी हम इसको रूप में खोजते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, कभी इसको शरीर में बल के साथ जोड़ते हैं, कभी इसको धन के साथ जोड़ते हैं और कभी इसको पद के साथ जोड़ते हैं। तो मेरी पहचान को सामाजिक रूप से, मेरी पहचान को जैसा हम सब ने स्वीकारा है ना, कभी हम रूप से जोड़ के अपनी पहचान को देख रहे, कभी शरीर और उसके बल से जोड़ के देख रहे, कभी पैसे से जोड़ के देखते हैं स्टेटस, और कभी पद से जोड़ के देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग, ठीक हो गया। समाज में यदि आप व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हो वो आपकी चॉइस अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन सामाजिक रूप में जो सम्मान की पहचान, सम्मान और पहचान के जो आधार हैं उसको इस रूप में देख सकते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जैसे जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसा जी रहे हैं, फिर देखेंगे कि गैप क्या है ना। अभी का गैप क्या है वो मैं आपको पहले एड्रेस कर देता हूँ। देखो, हमने अभी तक ये चर्चा किया कि हर मानव में, स्त्री पुरुष कोई भी मानव कहीं भी हो, भाव और विचार की धारा 24/7 लगातार बहती ही रहती है। यदि ये भाव और विचार में नेगेटिविटी है तो इसका नाम दुख है, और यदि इसमें सकारात्मकता है तो इसका नाम स्टेबिलिटी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये भाव की जो हमारी स्थिति है, किसी एक ही आदमी के पहले के लिए आधा घंटे पहले ये भाव आएगा कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और आधा घंटे बाद क्या भाव आ सकता है, तुम्हारे साथ तो जिया नहीं जा सकता है। कितने लोग ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं, हाथ उठाइए, संकोच ना करें, सब घर का मेरे को पता ही है। एक शिविर चल रहा था तो एक मैडम बोलती है, सर आपको हमारे घर के बारे कैसे पता चला। हम सबके घर एक ही जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं अपने आप अपने बारे में जब सोच रहा हूं तो मेरे को लगता है कि मैं एक बढ़िया सफल इंसान हूं। तब तक मेरे दोस्त का फोन आ जाता है, उससे बात करते करते पता चलता है कि उसकी सैलरी तो 10 लाख हो गई है। तो उसी क्षण मेरे को लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं सबसे पीछे मैं ही रह गया। तो आधे घंटे पहले मैं सफल होता हूं
आधे घंटे में मैं असफल हो जाता हूं। कभी मुझको लगता है कि मैं ठीक सोच रहा हूं, फिर दूसरा आदमी आता है उसमें जोरदार तर्क मार देता है, उसके बाद लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूं। तो मैं सही इंसान हूं कि गलत इंसान हूं, कोई अप्रिशिएट कर देता है तो मुझको लगता है कि मैं ठीक ठाक आदमी हूं, और कोई आके मेरे ही घर का आदमी कह देता है तुम फालतू काम में लगे रहते हो, इससे निकलेगा कुछ नहीं, तो मेरे को लगता है यार ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या। तो मेरे को ना तो अपने सही होने पे, गलत होने पे, सफल होने पे, असफल होने पे, है ना, मेरे मेरे पास किसी एक संबंध के बारे ये स्थिति नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग एक जैसा रहता हो। लगातार क्या है, बिल्कुल साइनोसोडल है, एक बार ऊंचाई पे जाएगा, इसी का नाम एंग्जाइटी है, फिर ये लो में जाएगा, इसी का नाम डिप्रेशन है। तो बेसिकली देखा जाए, क्योंकि हम समाज में अधिकांश लोग एक ही उसी तरह की फेस से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमको एक दूसरे को नॉर्मल देख के नॉर्मल जैसा लगता है। सच्चाई यह है कि जितना भीतर में ये ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव आता है, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। हाँ, जब ये फटने की स्थिति में आ जाए, मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है और मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर व्यक्त होना शुरू हो जाता है, तब अपने यहां ये पहचाना जाता है कि अब इसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। एक रिश्ता हमारा ऐसा नहीं है जो सारी जिंदगी एक ही भाव बना रहता हो। कितने लोग चाहते हैं कि सभी रिश्तों में एक जैसा भाव हमेशा सुखदायी भाव बना रहे, चाहते तो सभी हैं, लेकिन एक भी रिश्ता नहीं है। मैं खुद के बारे में चाहता हूं कि ये इतनी उठापटक ना हो, लेकिन ये होती है। तो इसका मतलब है ये जो भाव में अस्थिरता है, ये जो अपने होने को लेके शंका है, अपने सहीपन के प्रति शंका है, तो मेरे पास मेरे भाव, यदि भाव स्टेबल नहीं है तो विचार भी स्टेबल नहीं है। तो ये जो अस्थिरता है भाव की, ये मेरे साथ लगातार बनी हुई है, ये मेरी परेशानी है। और ये कितनी ज्यादा हो सकती है, ये आदमी को सुसाइड तक ले जाए, है ना, तो कितनी भी हो सकती है। तो इसको हमको हैंडल करने की जगह बन जाए, ये हमारी समस्या है। ये क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि अभी हमारे पास देखा जाए तो दो चीजें हैं। एक चीज है कि मुझको सुख की तलाश है जो मैं इंद्रियों में ढूंढता हूं, दूसरा है कि मुझको पहचान और सम्मान की तलाश है जो मैं रूप बल के धन के साथ ढूंढता हूं। अब इनके इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका अधूरापन कैसा है। तो चलो इंद्रियों से शुरू करते हैं। इंद्रियों से मैं सुख कितना पाना चाहता हूं, निरंतर, ठीक हो गया, सभी मानव ऐसे ही हैं। चलिए, तो मेरे को अब सोच के बताइए कि जब मैं इंद्रियों से सुखी होना चाहता हूं तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन सामने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती है। निरंतरता नहीं है नंबर एक, क्षणिक है नंबर दो, डिपेंडेंसी है, ये बहुत खतरनाक है, डिपेंडेंसी है, शरीर में डायबिटिक हो गया, मेरे को रसगुल्ले खाने का मन होता है ना, शरीर खत्म हो गया, भोगने की इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, शरीर उस लायक अब बचा नहीं है, ये बहुत बड़ी टेंशन है, है ना, और है एडिक्टिव है, एडिक्टिव है, और हाँ वेरी करता रहता है, जो आज चीज जितनी अच्छी लगेगी कल वो उतनी अच्छी लगेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो देखो, ये भी एक सोचने की बात है, कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो सारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति को एक समान सुख देता हो, कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो किसी एक मोमेंट में दुनिया के सभी लोगों को एक समान सुख देता हो, ये इसका लिमिटेशन है। और बोर हो जाते हैं, ये और है, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बोरियत कोई दुख है क्या, बोरियत क्या चीज है, हैं? हाँ, बोरियत क्या चीज है कि मैं दुखी नहीं हूं पर मैं कैसे और सुखी हूं समझ में नहीं आ रहा। बोरियत कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जितना सुखी होना चाहता हूं वैसा सुखी होने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम दुख। हाँ, और गुड, बहुत बढ़िया, वो तो आ गया, मोमेंट्री है, क्षणिक है, और इंद्रियों का सुख इसमें से हम तलाशते हैं, लेकिन इसकी अधिकता भी समस्या का कारण बनती है।
इंद्रियों का सुख इसमें हम तलाशते हैं अधिकता समस्या का कारण, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं माध्यमों से हम ढूंढते हैं, अगर मिलती जाती है और उसकी अधिकता होती रहती है जरूरत से ज्यादा तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ एंड ऑल्सो टू आवर इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन और कुल मिला के प्रकृति का दोहन शोषण और दूसरे सारे लोगों के शोषण करने का मतलब हाँ, भी इतना ही एक तरह का एक्सप्लोइटेशन भी होता है, एक्सप्लोइटेशन में जाता है। गुड, डिफॉर्मेशन हाँ वो तो ठीक है, अभी तो हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ हमारी शरीर की कैपेसिटी नहीं है कि कंटिन्यूसली हमको मिले। और जैसे हम रसगुल्ला को सुख का साधन मानते हैं, सोर्स मानते हैं, फॉर एग्जांपल एक रसगुल्ला खाएं अच्छा लगता है, दो खाएं तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद उल्टी शुरू हो जाएगी, उल्टी शुरू हो जाएगी और उसके अधिक खाएंगे तो फिर तबीयत बिगड़ने लगेगा। तो इसलिए इंद्रियों का सुख जो है हमेशा सुख देगा ऐसा जरूरी नहीं। और इसका ये मतलब नहीं है इंद्रियों का सुख नहीं लेना, इसका ये मतलब नहीं, लेकिन उसकी औकात भी समझनी है कि कितनी उसकी औकात है, वो भी समझ में आने की जरूरत है। हाँ जी, और हाँ ये भी एक बात है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। और है सुख के लिए शोषण भी करते हैं, हाँ वो तो ठीक है, अब बात आ गई वो तो। हाँ जी, और एक बहुत शानदार है, वो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ आपकी तरफ से आए तो, बहुत शानदार, सोच के देखिए और कुछ ध्यान में आता है क्या। हाँ तो देखो आगे वो चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनली इंद्रियों को भोगने वाला भी मैं ही हूँ, वो थोड़ा आगे आने का तब बात करते हैं। हाँ जी, ये सब बाहर की चीजों पे सुख है, हमारे अंदर का नहीं है ये। हाँ ये हमेशा मुझसे बाहर है, मुझसे अलग है, ठीक है, डिपेंडेंसी आती है वो तो आ गया पहले, और तृप्ति नहीं है हो गया, और चलो बोलो। देखो फाइनली जब भी मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता हूँ वो क्षण मेरे लिए सुखदायी होते हैं, और जब भी मैं स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ होता हूँ वही मेरे को बेचैनी और तमाम तरह की नेगेटिविटी की तरफ जाता हूँ। अब ये देखिए अपने आप में जांच के, यदि मैं ये पाता हूँ कि इंद्रियों के मामले में मैं अनियंत्रित हूँ या मैं मेरे सेंसेस को इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है। जैसे मेरे को लगता है कि यार मैं बार बार ओवर ईटिंग कर लेता हूँ तो मैं आज तय किया कि यार आज के बाद नहीं करूँगा, फिर पसंद का खाना सामने आ गया और फिर गई भैंस पानी में और फिर मूड खराब हुआ, यार फिर वही हुआ, फिर कसम खाया नहीं आज के बाद ये ठीक इसको, और फिर वही होता है और फिर वही होता है और वही होता है, लास्ट में क्या आ गया, क्या स्वीकृति आएगी, गिल्ट आता है। मैं स्वयं को मैं इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा कि इंद्रियां मुझको नियंत्रित करेंगे, तो मैं इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता हूं और मैं इंद्रियों से नियंत्रित होता हूं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है तो मैं अपने आप में एम्पावर्ड फील करूंगा कि असहाय महसूस करूंगा, ठीक हो गया। तो एक बात ये समझ में आ गई कि यदि मैं और यदि मैं मेरे पति या बच्चे या किसी दोस्त के बारे में मुझको पता चलता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है तो उसके बारे आपका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो एक बात ये समझ में आ गई कि इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होने से जीने का विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा, पहुंच रही कि नहीं। देखो इतने सालों में मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे, अपनी मनस्थिति को भी देखा, तो मैंने पाया कि जिन लोगों के भीतर जितना गिल्ट ज्यादा है, जूझना दूसरों से नहीं है, जूझना अपने से हो रहा है, अपने में हो रहा है, अपनी ही महत्वाकांक्षाएं, अपनी ही असफलताएं, अपनी ही गिल्ट,
अपने ही तमाम जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा बड़ी हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल दूसरों के साथ है कि ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल अपने ही साथ है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बस इसको पकड़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल मेरे ही साथ है, मेरे वाली स्ट्रगल को पार पा गया, संसार से निबट लूँगा, संसार में कुछ नहीं है। वो जूझना अपने में ही है, टूटना भी अपने में ही है। तो यहाँ से एक क्लैरिटी बनी कि फिर इंद्रियों का क्या करूँ, फिर इंद्रियों का क्या करूँ, फिर ये क्यों है शरीर में। हम लोग कॉलेज में थे तो यही सब बोलते थे, भगवान ने दिया तो मजा नहीं लेंगे, भगवान ने क्यों दिया होता, नहीं तो सोच समझ के दिया होगा, मजा लेने के लिए दिया। तो फिर इंद्रियों का शरीर में होने का पर्पस क्या है? राइट यूटिलाइजेशन क्यों करना है भाई, पर्पस होगा ना। जब तक पर्पस नहीं समझ में आएगा कोई राइट यूटिलाइजेशन होने वाला नहीं है। पर्पस के साथ, पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन राइट होता है। अब पर्पस पकड़ में आया नहीं, एक लोटा पानी में नहाना है तो लोटे में नहाते रहा, क्या फर्क पड़ेगा, बाल्टी में नहा लेता तो भी क्या फर्क पड़ता। पर्पस के बिना सब वीराना है। जब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आया तब तक ईमानदारी भी किस काम की। सोफा आपके घर में नहीं बढ़ा, किसी और के घर में बढ़ गया, क्या फर्क पड़ता। पैसे का लॉस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो मानसिकता का लॉस है ज्यादा बड़ा नुकसान। हाँ जी, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? हाँ, इंद्रियां क्यों है भाई? तो देखो मैं बोल देता हूं, इंद्रियों में सुख ना होता तो मानव का कभी सुख से परिचय ही ना होता। आ जा, झलक दिख जा, आ जा। पहला काम। दूसरा काम, बिना पेमेंट नेचर में कुछ नहीं है, तो नेचर ने मानव को पेमेंट किया है कि पुराने शरीर बनाए रखें, नए शरीर बनाते रहें और इनको चलाते रहें। ये भूमिका इंद्रियों की है। सेक्स में सुख ना होता तो क्या होता, यह हॉल खाली होता। चाहे पशु की बात करें चाहे मानव की बात करें, स्टार्टिंग तो यहीं से है कि प्रजनन क्रिया में सुख है इसलिए आदमी प्रजनन क्रिया की ओर जाता है। प्रजनन क्रिया की ओर जाता है, बच्चे आ ही जाते हैं, आ गए तो उनसे मोह हो ही जाता है, मोह हो जाता है तो उनके लिए काम करता है, मोह ना होता तो क्या होता, इतना एक दूसरे को थोड़ी झेलते। सारा परिवार में झेलने का एक ही कारण है कि हमको एक दूसरे से मोह है। मोह ना रहे तो एक दिन नहीं झेलेंगे। बाहर वाले से मोह नहीं है, देखो एक बार ऊंची आवाज में बात कर दे दोबारा कभी शक्ल नहीं देखते। तो परिवार में एक दूसरे को इसलिए झेल पाते हैं कि हमको एक दूसरे के साथ मोह होता है। मोह का मतलब है अपने शरीर का हिस्से के रूप में स्वीकार करना। और मोह होता है तो फिर लोभ भी होता है। लोभ होता है तो आदमी 18 घंटे मेहनत करता है, 15 घंटे मेहनत करता है, इतना कमाने की सोचता है, उसमें बाकी लोगों के लिए रोजगार क्रिएट हो जाता है और आपका घर भी चल जाता है। तो इस लोभ मोह काम से दुनिया चल रही है। अभी जो दुनिया की सारी गति है वो केवल लोभ मोह और काम से है। ये लोभ मोह काम को हटा दो दुनिया बंद हो जाएगी। तो एक पता चला कि इंद्रियों में जो सुख है तो बेसिकली नए शरीर बनते रहें, पुराने शरीर बने रहें, इसकी व्यवस्था है। मानव रहेगा तो कोई दिन सोचेगा मेरा पर्पस क्या है। अब मानव रहेगा ही नहीं तो पर्पस के बारे क्या सोचेगा। तो मानव रहेगा, मानव के लिए सूत्र है, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। ये बहुत बढ़िया सूत्र है, मानव समीक्षा विधि से आगे। समीक्षा का मतलब अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना, है ना। इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है ये स्वीकार हो जाना, तो मैं कहीं और तलाशूंगा। जब तक मेरे को लगता है यार इंद्रियों में ही सारा सुख है तब तक मैं और कहीं क्यों तलाशूंगा। बात पहुंच रही, अधूरेपन के मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा का मतलब है जो कंक्लूजन है वो आपको स्वीकार हो जाता है, जो आपने कंक्लूड किया वो आपको एक्सेप्ट हो गया। तो मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। हम कैसे आगे बढ़े, कभी सोच रहे थे घर मकान ठीक हो जाए तो बढ़िया जीना हो जाए, कभी लगता था गाड़ी वाड़ी आ जाए तो बढ़िया हो जाए, कभी लगता था अमेरिका चले जाए तो बढ़िया हो जाए,
है ना, कभी लगता था ये तमाम और पैसा बहुत सारा एसी वैसी सब लग जाए, अब सब लग गया, अब क्या हुआ, सारा ही लग गया, अब लगता है यार सुखी तो नहीं हुए। तो यहाँ से नई नई यात्रा शुरू हुई, इसका मतलब भौतिक चीज़ों से सुखी नहीं हो रहे, सुख कोई दूसरी स्थिति है। तो चर्चा निकल के आई कि भाव और विचार में जो अनिश्चितता है यही दुख का कारण है, भाव और विचार में जो हिलन डुलन है यही दुख का कारण है, भाव और विचार में स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो जाए, यही मेरे टिकने का आधार है। ये आदमी ने कितने साल लगे यहां पहुंचने में, मानव जैसा अभी है ये 2 लाख साल से बोलते हैं ऐसा ही है, लेकिन मात्र पिछले पिछले हमारे देखते देखते, जब मैंने 92 में जॉब से रिजाइन किया था तो मेरे घर वाले यही बोलते तुम्हारे जैसा दूसरा पागल दिखा दो, और मैं दूसरा पागल बहुत ढूंढता था, मिलता नहीं था, तो दूसरे पागल की तलाश में मेरे को घर छोड़ के बस्तर के जंगल में आना पड़ा, है ना, क्योंकि वहाँ रोज रोज यही परेशानियाँ रहती थी। हमारी एज में ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या कम थी, अभी मैं देखता हूँ 30 साल की एज में एक बड़ा वर्ग, मतलब उतना बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी बड़ा वर्ग मिल रहा है, जिसने 30 साल की एज में पैसा, फॉरेन जॉब, है ना, सुविधा, शादी वादी सब निपटा के कोर्स पूरा करके बैठ गया है। ऐसे लोगों की संख्या अब देखने में ज़्यादा मिल रही है, अब ऐसे लोगों की संख्या देखने में मिल रही है जो पहले से प्लान किए बैठा है कि 40 तक कमाऊंगा उसके बाद कुछ और करूंगा। अब ऐसे लोगों की संख्या देखने मिले 9 से 5 काम नहीं करूंगा, फ्रीलांसिंग काम करूंगा और मेरे शौक, मेरी जिंदगी कोई चीज़ है ना, मैं उसको परसू करूंगा। तो जिन चीज़ों को लोग, कल वो स्पेस ही नहीं था, मतलब हमारे समय में ऐसे एग्जाम्पल कॉमन मिलते थे, बेटा कमाओगे नहीं तो घर का किराया कहाँ से जाएगा, बहन की शादी नहीं होगी, तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं था मन का काम करना, कुछ भी करो पैसा कमाओ जो भी जॉब मिलती है कर लो। अब ये स्थिति है कि परिवारों में माँ बाप के पास आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम बच्चों को बोल रहे हैं कि जो तुमको अच्छा लगे आप करो, आप सोचो, आप आगे बढ़ो, है ना। तो ये लिबर्टी हो सकता है 40 साल पहले उतनी नहीं थी जितनी ये लिबर्टी आज मौजूद है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, आज बच्चे अपने मन का कोर्स कर रहे हैं, आज बच्चे अपने मन से आगे बढ़ रहे हैं, माँ बाप की भी स्वीकृति है कि जो तुमको ठीक लगता है हम तुम्हारे साथ हैं, इतनी इतनी आज़ादी, इतनी लिबर्टी 40 साल पहले नहीं थी। बढ़िया, क्योंकि वो निष्कर्ष आ गए हैं सबके सामने कि यार अब जो बच्चे का मन जिसमें है उसी में वो परफॉर्म करेगा, तो जबरदस्ती आर्ट वाले को साइंस में डाल देना, साइंस वाले को आर्ट में डाल देना, है ना, ये करना ठीक नहीं है। तो अब माँ बाप भी काफ़ी लिबरल हुए हैं पहले की तुलना में। तो मानव समीक्षा का मतलब है कि जो हमारे कंक्लूजन्स हैं उनको स्वीकार लेना। तो एक बार ये स्वीकार हो गया कि यार ये ठीक है ना, पैसा हमारी ज़रूरत है लेकिन पर्पस तो नहीं है, पर्पस तो कुछ और होगा, है ना, पैसा हमारे पर्पस नहीं है। तो कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, माँ किससे कहानी में खो जाते हो, आओ क्या चर्चा चल रही हो पता ही नहीं, कथा सुन रहे थे, हाँ चाहते क्या है वो चल रहा है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि इंद्रियों से क्या क्या गैप्स आ रहे हैं। तो एक तो इंद्रियों को समझ रहे हैं कि सारी इंद्रियां किस बात के लिए, इंद्रियां ना होती तो सुख से परिचय नहीं होता नंबर एक, इंद्रियां हैं तो ये संसार चल रहा है नंबर दो, इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है इसलिए इंद्रियों का नाम है संवेदना। संवेदना समझते हो ना, संवेदना है ना, सेंसेशन। तो संवेदना का मतलब, वेदना का मतलब क्या होता है, पीड़ा, पीड़ा दुख, मेनली पीड़ा, पीड़ा और दुख थोड़ा अलग है, पीड़ा। तो संवेदना का क्या मतलब है, वो वेदना जो पूर्णता की ओर इशारा करती है उसका नाम संवेदना है। तो इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है लेकिन सुख से आपका परिचय करा दिया, तो इंद्रियों का प्रयोजन, इंद्रियों का पर्पस मानव में इस अर्थ में है, देखो सुख से परिचय करा दिया पर सुख यहाँ नहीं है, कहीं और सुख की तलाश करो, ये कहीं और सुख की तलाश करो, यहाँ से आदमी का, यहाँ से मानव शुरू होता है, उसके पहले मानव मानव ही नहीं। ये बात पहुंची, इंद्रियों का बात समझ में आ गया, है ना। तो अच्छा लगना इस वाले भाग को बोल रहे हैं, अच्छा लगना, अच्छा लगना इस वाले भाग को बोल रहे हैं, अच्छा होना।
अभी हमारा सारा प्रयास अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए है कि अच्छा होने के लिए है? अच्छा दिखने के लिए है, अच्छा लगने के लिए है, है ना? लेकिन अच्छा, जैसे मैं अभी आपको बोलूं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो इतने में खुश हो गए, आप हो नहीं, आप अच्छे हो नहीं, लग रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? आपका शरीर, आपका अपीयरेंस, आपकी शक्ल, कपड़े वपड़े ठीक ठाक है, लेकिन आप ठीक नहीं हो, मतलब मतलब भाव और विचार, आचरण, भाव और विचार ठीक होना अलग दुनिया है। बहुत हमारी सो कॉल्ड सुंदरता, हम बहुत सुंदर व्यक्ति का आचरण बहुत खराब हो सकता है कि नहीं, और बहुत सामान्य व्यक्ति का आचरण बहुत श्रेष्ठ हो सकता है कि नहीं, तो शरीर से कोई लेन देन नहीं है, धीरे से उसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुछ बातें निकल के आई है ना, आपके ध्यान में आ गई होंगी, तो दो मिनट में लिख डालिए। इंद्रियों की लिमिटेशन और इंद्रियों की महिमा, क्या समझ में आया? इंद्रियों का लिमिटेशन क्या है, इंद्रियों की महिमा क्या है? क्या? हाँ, सुख से परिचय कराना, संसार का क्रम चलते रहना और पूर्णता की ओर इशारा करना, तीन हो गए। माइक, हाँ जी, पीछे एक माइक आ गया, आ गया पीछे, परिचय भी करते जाइए। नमस्कार, शरद चौरसिया, नागपुर से ही हूँ। इंद्रियों की लिमिटेशन जो है वो दुख का कारण है। इंद्रियों की लिमिटेशन दुख का कारण नहीं है, इंद्रियों की लिमिटेशन के बावजूद मैं उसी में सुख को तलाशता हूँ, ये दुख का कारण है। मुझको सुख का एड्रेस पता नहीं है, ये दुख का कारण। इंद्रियों की महिमा सुख के लिए होती है। हाँ, तीन बातें बहुत क्लियरली कह रहे हैं, मेरा सुख से परिचय हो गया, ये इंद्रियों की महिमा है। वर्तमान संसार चल रहा है लोभ मोह काम के कारण, ये इंद्रियों की महिमा है। और मेरे को उसने बड़े सुख की ओर इशारा कर दिया, या उसकी वजह से मुझको बड़े सुख की ओर इशारा हो जाता है, क्योंकि चाहत मेरी निरंतरता की है और इंद्रियों की औकात नहीं है कि वो निरंतरता दे सके। तो कोई समय में ये स्वीकार हो जाता है कि नहीं, इसकी हैसियत नहीं है, वहाँ से मेरी आगे की यात्रा शुरू होती है। इसलिए उसको संवेदना कहा। संवेदना का मतलब है पूर्णता के अर्थ में वेदना। इंद्रियों में जो सुख की निरंतरता नहीं है, वो हमको पूर्णता की ओर इशारा करती है कि यहाँ निरंतरता नहीं है तो कहीं और जाओ, और वहाँ से यात्रा शुरू होती है। बढ़िया, खुश नहीं हुए है? अभी कंक्लूड नहीं हुआ ना टॉपिक, अभी मलाई निकलने का समय नहीं आया है। भारी था? हाँ, भारी था, जो अपने अपने क्या है इसका, इसमें बीच बीच में मुंडन संस्कार होता रहेगा क्या? जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसकी हवा निकल रही होती है, उतनी हमारी दुनिया थी, अब उसका अधूरापन दिखने लगता है, तो थोड़ा सा ब्लैंक सा फील होता है, लेकिन धीरे से आगे उसको कवर करेंगे। तो चलिए, 4:30 बजे हैं, है ना, ब्रेक करते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 4:55। चाय पीजिए, आज का दिन थोड़ा फाउंडेशन बनाने का है, और मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करूंगा, हम काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं, शाम तक कुछ बहुत बढ़िया निकल आएगा।
थैंक यू, नमस्कार।